हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन सेवर ऑप्शन है, तो स्क्रीन सेवर ऑप्शंस के जरिए कैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में एनिमेशन वगैरह को सेट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि स्क्रीन में एनिमेशन को आप कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो सिंपली ऑप्शन आ गया है, तो आपको इस पर जाना है। या फिर कैसे अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर पाएंगे, तो बैक करके आपको जाना डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी तो स्क्रीन सेवर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। स्क्रीन सेवर ऑप्शंस पे जाते ही आप देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से एनिमेशन आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। देखते हैं कि जैसे हमने फोटो एनिमेशन है, स्क्रीन कलर एनिमेशन लगा रखा है, तो आप फोटो एनिमेशन, फोटो टेबल एनिमेशन को भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं और टेबल एनिमेशन आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग होकर आते रहेंगे। यहाँ से आप फोटो एनिमेशन भी इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये आपकी फ़ोटो एनिमेशन है जो शो हो रही है। और आप जब नॉन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो कोई भी एनिमेशन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया। तो इस तरीके से स्क्रीन सेवर का आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स का यूज़ करके और डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर सैमसंग फ़ोन में, और इसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक